सुनो, तुम शादी कर रहे हो? हाँ, बहुत खुशी हुई। लेकिन सुनो, काश मैं ख्वाजा सराना होती तो कितना अच्छा होता। हाँ सुनो, हम दोनों साथ में जिंदगी गुजारते कितना अच्छा लगता। हाँ और सुनो, हमारे बच्चे होते वो मुझे मामा कहते, मैं उनको सुबह सवेरे उठ के उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती, और जब तुम जॉब पे जाते तो एक बहाना करते और उसी बहाने से मुझे गाल पे किस करते, और मैं हंसकर तुम्हारे माथे को चूमती, कितना अच्छा लगता ना। हाँ खैर सुनो, लड़की इतनी खूबसूरत तो नहीं। हाँ सुनो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं, जा रहा हूं मैं, अपना ख्याल रखना। सुनो तो थोड़ी देर बैठो ना, देखो मैं अकेली हो जाऊंगी बहुत, थोड़ी देर बैठो। हाँ सुनो, तुम्हारी बीवी तुम्हें मजाक में तंग करती रहेगी और बच्चे तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। जब तुम शाम को घर जाओगे कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ सुनो, कभी कभी आते रहना, देखते हो ना कोई नहीं है यहाँ सिवाय अंधेरे के, बस कभी कभी बातें कर लेती हूँ अपने आप से, मगर खुद से बातें करने में ना एक वहशत सी उठती है। सुनो, तुम्हें याद है एक शादी में मुझे नाचने के लिए बुलाया गया था, और वहां मेरे भाई बहनें माँ बाप वो सब भी आए थे, मगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं बस ऐसे ही। सुनो, कभी कभी अपने बच्चों को भी लेके आना। हाँ सुनो, तुम्हारा सर आज नीचे क्यों है और कुछ बोल भी नहीं रहे, सिर्फ हाँ हाँ किए जा रहे हो? आखिरी बार मिल रहे हो मेरे साथ, मैं जानती हूँ तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। जा रहा हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। हाँ रखूंगी, और अब नाच नाच के थक भी गई हूँ। और तुम्हें याद है एक शादी में एक लड़के ने शराब पी के मुझे उठा के फेंका था और मेरी कमर टूट गई थी, और तुम्हें कहा था कि जरा सी चोट है, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ था। खैर बहुत बातें हो गई, तुम जाओ, घर पे सब इंतजार में होंगे, तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारी राह देखती होगी ना, है ना? हाँ जाओ, और जाते जाते बाहर से ताला लगा के जाना, कुछ दिन आराम करूंगी, बहुत दिन से थक गई हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सुना है उस रात एक ख्वाजा सरा ने अपनी नब्ज काट दी थी और खून सुबह तक चल रहा था। सुना है उस मकान में अब कोई नहीं रहता और खून के धब्बे आज भी वहां पड़े हैं। रात देर से उस घर में किसी की आवाज सुनाई देती है, मगर उस आवाज को आज तक कोई पहचान नहीं सका कि वो आवाज मर्द की है या किसी औरत की।